रामानंद सागर की रामायण को देखकर आज हम सभी की उत्सुकता रहती है उन कलाकारों के निजी जीवन के बारे में जानने की जिन्होंने इस पौराणिक सीरियल में अहम भूमिका निभाई थी। इस शो में राम और सीता के किरदार को अरुण गोविल और दीपिका चिलखिया ने निभाया था। उनके बच्चों का किरदार दो मराठा बाल कलाकारों ने निभाया था। लवकुश का किरदार निभाने वाले उन नन्हे कलाकारों के बारे में जानने की उत्सुकता तो हर किसी को होती है। आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे रामायण के उन नन्हे कलाकारों के बारे में जिन्होंने लवकुश के किरदार को जीवंत बना दिया है। रामानंद सागर के उत्तर रामायण में लवकुश बेहद ही अहम किरदार थे। इस धारावाहिक में मयूरेश क्षेत्रामदे ने लव का और स्वप्निल जोशी ने कुश का रोल निभाया था। लवकुश का किरदार निभाने वाले ये बाल कलाकार बड़े हो चुके हैं। कुश का किरदार निभाने वाले स्वप्निल जोशी अब 42 साल के हो चुके हैं। वर्ष 1986 में जब उन्होंने कुश की भूमिका निभाई थी उस वक्त उनकी उम्र 9 साल की थी। स्वप्निल जोशी ने बाद में कई टीवी सीरियल में लीड रोल निभाया और टीवी का एक बड़ा नाम बन गए। उन्होंने ना सिर्फ हिंदी फिल्मों और टीवी सीरियल्स में बेहतरीन काम किया बल्कि उन्होंने कई मराठी फिल्मों में भी काम किया। फिर साल 1993 में उन्हें रामानंद सागर ने एक बार फिर अपने शो श्री कृष्ण में छोटे कृष्ण यानी कृष्ण भगवान के बचपन का किरदार ऑफर किया। इस किरदार को निभाने के बाद स्वप्निल ने कुछ समय के लिए एक्टिंग से ब्रेक ले लिया था। साल के बाद यानी वर्ष 1997 में स्वप्निल ने संजीव भट्टाचार्य के शो कैंपस से धमाकेदार वापसी की, जिसके बाद स्वप्निल जोशी ने अमानत, दिल विल प्यार व्यार, हद कर दी, हरे कांच की चूड़ियां, देश में निकला होगा चांद, भाभी, कहता है दिल जैसे कई हिट टीवी सीरियल में और गुलामे मुस्तफा जैसी कुछ हिंदी फिल्मों में भी काम किया। लेकिन उन्होंने फिर से एक बार ब्रेक लिया बीकॉम की पढ़ाई पूरी करने के लिए, जिसके बाद पूरी तरीके से फिल्मी दुनिया में समर्पित स्वप्निल को बड़े पर्दे पर पहचान मिली 2008 में आई फिल्म चेकमेट से। बॉलीवुड के अलावे कॉमेडी एवं मराठी फिल्म में आज उनका नाम बहुत आगे है। ये केबीसी मराठी वर्जन को होस्ट भी कर चुके हैं। यदि उनके निजी जीवन के बारे में बात करें तो स्वप्निल जोशी का जन्म 18 अक्टूबर 1977 को मुंबई के गिरगांव में हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा मुंबई के बाईराम जीजाबाई स्कूल से हुआ था। इन्होंने मुंबई के सीडेन होम कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स से बीकॉम की पढ़ाई की। वर्ष 2005 में इनकी शादी अर्पणा जोशी के साथ हुई, परंतु दुर्भाग्य यह रहा कि महज 4 साल बाद ही दोनों का तलाक हो गया। फिर इन्होंने 2011 में लीला आराधे से शादी कर आज खुशहाल जीवन व्यतीत कर रहे हैं। इनके दो बच्चे हैं, इनकी बेटी का नाम मायरा जोशी एवं बेटे का नाम राघव जोशी है। वहीं दूसरी तरफ रामायण में लव की भूमिका निभाने वाले मयूरेश क्षेत्रामदे अब अमेरिका के न्यू जर्सी में रहते हैं। उन्होंने अपना करियर एक्टिंग में नहीं बनाया और आज मयूरेश किसी प्राइवेट कंपनी के प्रेसिडेंट और सीईओ हैं। इसके अलावा मयूरेश एक कमाल के राइटर भी हैं। उन्होंने विदेशी राइटर्स के साथ मिलकर स्पाइट एंड डेवलपमेंट नाम की किताब भी लिखी है। टेक्सास यूनिवर्सिटी से अर्थशास्त्र की पढ़ाई करने वाले मयूरेश रामायण में लव का किरदार निभाने के बाद सदा सदा के लिए टीवी सीरियल की दुनिया को अलविदा कर दिए थे। लॉकडाउन की वजह से जब इस शो को दोबारा दूरदर्शन पर दिखलाया गया तब भी दर्शकों में इतना क्रेज था कि वे लगातार शो देखते हुए सेल्फी सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे थे। यहाँ तक कि मीम्स भी बनने लगे थे जिससे हर कोई एंजॉय कर रहा है। यदि हमारा यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक एवं शेयर करें। धन्यवाद।